हमीरपुर में आईवीएच विभाग के द्वारा तलाशी के पास बनाए गए नवनिर्मित रेस्ट हाउस में रखरखाव के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ पर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में सवाल उठाएगी। बैठक में जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने आईपीएच मंत्री के अपने चहेतों की तैनाती पर एतराज जताते हुए स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी करने पर रोष प्रकट किया। हालांकि जिला परिषद चेयरमैन ने कैमरा सामने होने पर पूरी बात बयान की, लेकिन फिलहाल इस मामले पर देखी नाराजगी बैठक में खूब जाहिर हुई है। हमीरपुर में आईपीएच विभाग के द्वारा सलासी के पास बनाए गए नवनिर्मित रेस्ट हाउस में रखरखाव के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ पर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में सवाल उठाए गए हैं। बैठक में जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने आईपीएच मंत्री के अपने चहेतों की तैनाती होने पर एतराज जताते हुए स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी करने पर रोष प्रकट किया है। हालांकि जिला परिषद चेयरमैन ने कैमरा सामने होने पर पूरी बात बयान नहीं की, लेकिन फिलहाल इस मामले पर दिखी नाराजगी बैठक में खूब जाहिर हुई है। हमीरपुर गई है सर कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन आपका आईपीएच का रेस्ट हाउस बना, ये काम किसको दिया है आउटसोर्स में? ये तो कहां के मंत्री को खुश करने के लिए उसको दे दिया काम? यार यहां के लोग भी तो हैं कुछ। हमीरपुर जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने की। बैठक में एडीसी रतन गौतम भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला भर में ग्रामीण विकास को लेकर योजना बनाई गई। बैठक में बाबा बालकनाथ द्योटचित में सालों पहले बनाई गई नवग्रह वाटिका की बदहाल हालत को लेकर चर्चा की गई और जल्द नवग्रह वाटिका की हालत को सुधारने के लिए मांग की गई, नहीं तो संबंधित विभाग के पास जिला परिषद के सदस्य जाकर घेराव करेंगे। जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर ने कहा कि त्रैमासिक बैठक में जिला भर में सड़कों और पानी से संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि रैली जजरी में हिम केयर के माध्यम से बनाई गई कार्ड आज तक वितरित नहीं होने का मामला सामने आया है, जिसे जल्द सुलझाने के लिए प्रस्ताव डाला गया। इसके साथ ही जिला परिषद ने हिम केयर के तहत कार्ड के लिए किए गए कार्य की जांच करवाने की मांग की गई। साथ ही बैठक में पौधारोपण के समय रोपे गए पौधों के संरक्षण करने के लिए कहा गया। राकेश ठाकुर ने कहा कि वन विभाग के द्वारा पौधे रोपने के बाद उनकी देखरेख के लिए कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर के साथ नवग्रह वाटिका की हालत दयनीय बनी है, जबकि पिछले दिनों किए गए पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल न किए जाने पर समस्या बनी हुई है। लगभग वो चार कनाल जमीन पे उस वाटिका को नवग्रह वाटिका बनाई गई है, और हमारा जो सिद्ध बाबा बालकनाथ है उसको जीर्णोद्वार पे ही एक तरह से वाटिका बनाई है, ताकि लोगों को बैठने की उसमें उस पार्क में सुविधा मिले, और उसमें वो झाड़ियाँ ही हैं। मैंने पीछे विजिट किया था तो उसके बाद उसको थोड़ा साफ करवाया गया, लेकिन हमारा प्रश्न ये कि जब फॉरेस्ट जगह जगह प्लांट लगाता है तो उस नवग्रह वाटिका के क्यों नहीं उसके सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जाता है, यही हमारा प्रश्न था। और डीएफओ ने हमें आश्वस्त किया कि नहीं करेंगे, तो अगली बार हम उनका घेराव उन्हीं के ऑफिस में करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो समस्याएं जो हैं वो लोगों की सुविधाएं दी जाती हैं और उनसे उनको वंचित किया, क्योंकि करोड़ों के पेड़ हम जगह जगह जंगल में लगाते हैं, कई तरह के हम कहते हैं वहाँ फ्लावरिंग कर दो, वहाँ अच्छे प्लांट मेडिकेटेड प्लांट लगा दो ताकि लोग वहाँ बैठ सकें। नौ तरह के पौधे भी नहीं थे वहाँ, वो भी गिर गए थे। अभी उन्होंने जब मैंने विजिट किया तो उसके बाद ही उन्होंने वहाँ वो प्लांट लगाए अभी तीन चार दिन पहले। कहीं कागजों में लिखा है कि नवग्रह मतलब नौ? हाँ बिल्कुल, वहाँ लिखा हुआ, वो आदमी धूमल जी ने उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास भी उन्होंने किया था, और वो अपने आप में एक हमारा जो देवस्थित बाबा बालकनाथ है, हमारी जो तपोस्थली है उसकी एंट्रेंस पे है, और बहुत से श्रद्धालु लाखों में श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ बैठेंगे तो एक अलग अनुभव करेंगे वो वहाँ। बजट का अभाव तो नहीं रहता, लेकिन खर्च करने में कहीं देरी हो सकती है, और उसका जो कारण है आजकल जो सबसे बड़ा समस्या है कि हमारा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है सीमेंट का वो अभी तक नहीं हुआ, तो इस पे था सवाल सर। काफी ज्यादा पंचायतें हैं, नहीं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारे अतिरिक्त जिलाधीश महोदय ने इसका संज्ञान भी लिया है, और जो माइनिंग के हमारे अधिकारी हैं हम जिला परिषद के माध्यम से प्रदेश को इसका प्रस्ताव भी भेज रहे हैं कि पंचायतों में कार्य तभी सुचारू रूप से होंगे अगर सीमेंट उपलब्ध होगा, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इसको सीमेंट को उपलब्ध करवाया जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।